अरमान और आलिया भागे जेल से। तो भाई जैसा कि अरमान के पास आसमा का फोन आया था ना, उसने वीडियो कॉल किया और देखा कि आसमा बहुत मुसीबत में है, कोई तो है उसके कमरे में जो उसे किडनैप कर रहा है। और इतने में उसका फोन बंद हो जाता है और अरमान वहां कोशिश भी करता है जेल में कि वो पुलिस वालों से रिवॉल्वर लेकर उनको मारने की और वहां से बच निकलने की, लेकिन वो बच नहीं पाता और पुलिस वाले उसको खुद ही मार देते हैं, उसको बेहोश कर देते हैं। तो अब हम एपिसोड में देख रहे हैं कि कैसे कबीर है वो आसमा को किडनैप करके ले जाता है। हमें पता ही है ना कि आसमा आती है कबीर से हेल्प मांगने के लिए और वो कहती है कि अरमान और आलिया जेल में है कनाडा की और मैं जाना चाहती हूँ कनाडा वापस और उनको बचाकर लेके आना चाहती हूँ। जिसमें कि कबीर ना बहुत गुस्सा हो जाता है, उसको बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो, जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है तुम उसी को बचाने की बात कर रही हो। तो वहां पर और कहीं ना कहीं हमें पता है ना कि कबीर आसमा से प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि वो अरमान के पास दोबारा जाए। तो वहां पर वो एक प्लानिंग करता है और उसके ड्रिंक में ना एक बेहोशी की दवा मिला देता है आसमा के और वो उसको पिला देता है, जिससे कि जो आसमा है वो बेहोश हो जाती है और फिर जो कबीर है वो उसको ले जाता है अपने घर। हम देख रहे हैं एपिसोड में कि किस तरीके से ना जो कबीर का घर है वो चारों तरफ से उसके फोटोज हैं आसमा के, क्योंकि जब आसमा बेहोश होती है और उसके बाद जब उसको होश आता है ना तो वो देखती है चारों तरफ मेरे फोटोज कैसे हैं यहाँ पर और ये किसका रूम है, कौन मुझको किडनैप करके लेकर आया। बिकॉज उसे तो था ही नहीं ना कबीर के बारे में, कभी उसने ऐसा सोचा ही नहीं था, बिकॉज कबीर को वो हमेशा से अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी तो वो उसके दिमाग में कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन कबीर के दिमाग में ये था कि भाई मैं तो प्यार करता हूँ उससे और उसने उसे किडनैप भी कर लिया। अब हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जो अरमान और आलिया है वो जेल से भागने की कोशिश करते हैं। तो अरमान को ना कहीं ना कहीं आसमा की बहुत चिंता है क्योंकि उसने देखा था ना वीडियो कॉल में कैसे कोई किडनैपर आता है और उसको पकड़ के ले जा रहा होता है, तो वहां पर वो बहुत चिंता करता है। जिसके बाद अब अरमान और आलिया एक प्लानिंग करते हैं जेल के अंदर और वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वो हम देख रहे हैं एपिसोड में कि कैसे वो जेल की जो दीवार है उसको फांदते हुए नीचे आ रहे हैं और लेकिन भाई पुलिस वाले पकड़ लेते हैं उनको, उनके ऊपर बंदूक रख देते हैं। अब देखने लायक सीन होगा कि क्या जो अरमान और आलिया है वो बच के आ पाएंगे कनाडा पुलिस से और जो आसमा है, क्योंकि मेन ना यहाँ पर अभी पूरी कहानी अब आसमा के इर्द गिर्द ही घूम रही है, क्योंकि अरमान भी आसमा को प्यार करता है, कबीर भी आसमा के लिए पागल है और वहां पर जो हरलीन है वो भी अपनी बेटी आसमा को बचाना चाहती है, मतलब इन सब लोगों से, और आलिया भी आसमा की दुश्मन है। तो कहीं ना कहीं घूम फिर के ना आसमा पर ही स्टोरी आ जाती है क्योंकि आलिया की दुश्मन है इस समय आसमा। और हमने देखा था ना कैसे वो जेल में बंद थी जब आलिया, तो उसने बोला था कि भाई मैं अब उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं, इसकी वजह से मेरी मम्मी भी चली गई, मतलब हरलीन मम्मा एक्चुअली जिसे वो बहुत प्यार करती है, तो वो उसको पता लग जाता है कि वो उसकी मम्मी है और फिर उसको यही पता लग जाता है कि जो आसमा है वो एकम और हरलीन की बेटी है। तो मतलब आलिया का तो पूरा ही जैसे कहते हैं ना सारे सपने चकनाचूर हो गए हैं आलिया के। तो अब ये देखना होगा कि आसमा को कौन बचाने आता है, क्या अरमान और आलिया आएंगे या अरमान क्या वापस आ जाएगा कनाडा से उसे बचाने के लिए।